प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग एक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और धार्मिक कारणों का अध्ययन हम पूर्व में ही कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय वर्ष में का यह प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग दो के नाम से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण और प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक और धार्मिक तथा सामाजिक कारणों की चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक विस्तृत मटेरियल था, इसलिए इस अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है। पहले पूर्व में हम दो बिंदुओं का अध्ययन, राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक का अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरा बिंदु जो है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनता में जागृति किस प्रकार से पैदा की, उन सभी कारणों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करने में किन किन कारणों का हाथ रहा, उन कारणों की चर्चा यहाँ की जा रही है। उसी प्रक्रम में तीसरा जो बिंदु है, पाश्चात्य शिक्षा का योगदान, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी भाषा में उन्हें जो बाबू या क्लर्क या उनके मातहत काम करने वाले कार्मिक हैं, उनकी किसी प्रकार से व्यवस्था की जाए। तो उनका उद्देश्य यहाँ पर शासन में सुविधा प्राप्त करने के लिए सफ़ेदपोश बाबू उत्पन्न करना था, या अपने प्रशासन के सहयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करके सस्ते दर पर भारतीयों को शिक्षित करके उनका अपने शासन में सहयोग प्राप्त करना था। किंतु पाश्चात्य शिक्षा, जो कि अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए प्रयोग करना चाहा था, उसका दूसरा पहलू ये हुआ कि अनेक भारतीय अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने लगे, और अंग्रेजी साहित्य में जो स्वतंत्रता और समानता की उदात्त भावनाएं थी, उससे वो परिचित हो गए, जिसकी वजह से वो उनमें राष्ट्रीय भावना की चेतना जागृत हुई। भारतीय विद्वानों ने अनेक यूरोपीय विद्वानों को पढ़ा, जिसमें वायरन, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, बर्क, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन, शेली, उच्च कोटि के अंग्रेज विचारकों के विचार भारतीयों ने जाने। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस के राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण इत्यादि चीज़ें भी उन्हें पढ़ने को मिली। उस अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय अच्छी तरह शिक्षित हुए और उन्हें स्वतंत्रता का, समानता का, अपने अधिकारों का आभास हुआ। इसलिए एक अंग्रेज विद्वानक जो मैकडोनल्ड है, उन्होंने कहा है कि स्पेंसर का व्यक्तिवाद और मार्ले का उदारवाद वह शस्त्र है जिन्हें भारत ने हमसे छीनकर हमारे विरुद्ध ही उसका प्रयोग किया है। तो पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों के लिए एक तरह से वरदान सिद्ध हुई। वह यद्यपि अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, उस शिक्षा को लाना चाहा था। इसी संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि हमको इंग्लैंड का गौरवमय परिचय उनके गौरवमय इतिहास से मिला, जिसने हमारे नवयुवकों में एक नवीन स्फूर्ति और प्रेरणा को उत्पन्न किया। अंग्रेज लेखकों की रचनाएं मानव प्रेम, स्वतंत्रता, न्याय से परिपूर्ण थी। इन्हें पढ़कर भारतीयों में नया उत्साह पैदा हो गया। अर्थात पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, ये इनके इन प्रकारण भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुई। भारतीयों ने जाना कि वास्तव में स्वतंत्रता, समानता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और वो उसके आधार पर ही अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ें नैसर्गिक होती है, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। इस चीज़ को ज्ञात करके भारतीयों में राष्ट्रीय
जागृति की भावना पैदा हुई और वो भी स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र होने के लिए लालायित हुए। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय में एक जनचेतना का कार्य किया। चौथा कारण था समाचार पत्र और राष्ट्रीय साहित्य। देखे एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में प्रेस का विकास हुआ, समाचार पत्रों की संख्या बढ़ने लगी। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी समाचार पत्रों के भारत विरोधी प्रचार और विरोधी नीतियों का प्रबल विरोध कर जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराना प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत अनेक समाचार पत्र भारत में अस्तित्व में आए थे, जिसमें अमृत बाजार पत्रिका, संवाद कौमुदी, ट्रिब्यून, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, बाइनियर, हिंदू, रफ्त गुफ्तार, केसरी, इंडियन मिरर आदि आदि। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी अनेक साहित्य लिखा, जैसे राजाराम मोहन राय की संवाद कौमुदी समाचार पत्र था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ, भारतीय दूरदर्शन ने भारत दूरदर्शा। इन सभी प्रकार के राष्ट्रीय साहित्यों का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति की ओर उन्मुख हुआ। इसके अतिरिक्त पांचवा कारण जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कारण और प्रवृत्तियों में, वो था अंग्रेजों की जाति विभेद की नीति। कहा जाता है कि अंग्रेज जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए या फिर साम्राज्य चलाने के लिए भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। इसी नीति के अंतर्गत वो भारत को आधा वनमानुष और आधा निग्रो मानते थे, जिसे केवल भय द्वारा ही समझा सकता। उनका मानना था कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। होटल क्लब आदि में भारतीय उपेक्षित थे, उन्हें हर क्षेत्र में अपमान का घूंट देना पड़ता था। प्रशासन के उच्च पदों पर भी भारतीय वंचित रखे जाते थे और भारतीयों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता था। उन्हें सुअर और हाथी अथवा लोग कहकर पुकारा जाता था। इससे भारतीयों में हीन भावना जागृत हुई और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का की उत्पत्ति का जो छठा कारण है वो लॉर्ड लिटन की दमनपूर्ण नीति है। भारत के प्रसिद्ध विद्वान रहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक बहुधा एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रचार प्रसार और आंदोलन से भी उत्पन्न न हो। लाल लिटन ने ऐसी दमनपूर्ण नीति अपनाई जिससे न केवल बुद्धिजीवी वर्ग में बल्कि जन सामान्य में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। लाल लिटन ने 1876 में भारतीय नागरिक सेवा, जिसको आप सिविल सर्विस कहते हैं, उसकी जो आयु थी 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी, जिसकी वजह से इंडियन एसोसिएशन ने 1876 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1877 में भयंकर अकाल पड़ा, उसके अकाल के बावजूद भी लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया का आलीशान दरबार लगाया, बहुत सारा पैसा व्यर्थ गंवाया। इसी प्रकार 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, जिसको शिक्षित भारतीयों ने गैगिंग एक्ट कहा। देखो विद्यार्थियां ध्यान दें कि छोटी छोटी बातें जो आ रही हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट, 1877 का अकाल और 21 से आयु 21 से घटाकर 19 करना, ये सारी छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जिनको विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अनेक अवसरों पर छोटे सवालों में या कंपटीशन में भी इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि गैगिंग एक्ट क्या था। गैगिंग एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि भारतीय समाचार पत्रों पर पाबंदी के रूप में लगाया गया था। लिटन ने एक और कार्य किया कि केवल भारतीयों के लिए शस्त्र कानून, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 बनाया, अगर भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक और कार्य हुआ, अफगानिस्तान पर आक्रमण जो किया उसका खर्चा भी
भारत से ही वसूल किया गया। इस प्रकार से लॉर्ड लिटन ने अनेक ऐसी नीतियाँ अपनाई, अनेक ऐसे कार्य किए जो निंदनीय थे, जो आम आदमी के समझ में आने वाले थे और बुद्धिजीवियों के लिए भी वो असहनीय थे। इसी प्रकार एक और कारण था अल्बर्ट बिल, अल्बर्ट बिल भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा कारण बना। अल्बर्ट बिल भी कई बार छोटे छोटे प्रश्नों में ये आ जाता है कि अल्बर्ट बिल क्या है, तो अल्बर्ट बिल भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण बना है और इसकी वजह से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व प्रगति मानी जाती है। ये 1883 में आया था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड लिटन की जो दमनपूर्ण नीतियाँ थी, उसके बाद लॉर्ड रिपन वायसराय बने। कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन जो है वो भारतीयों से सहानुभूति रखने वाले थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग में लिखा कि रिपन को इसलिए स्मरण नहीं किया जाता कि उसने बहुत सफलता प्राप्त की, बल्कि इसलिए स्मरण किया जाता है कि उसके उद्देश्य पवित्र थे, उसके ध्येय ऊँचे थे, उसकी नीति शुद्ध थी और वह जातीय भेदभाव से घृणा करता था। उनकी तारीफ करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्हें भारत का उद्धारक कहा। अर्नल्ड वाइट ने तो यहाँ तक कह दिया कि लॉर्ड रिपन ने भारत के खो जाने का द्वार खोल दिए हैं। तो अल्बर्ट बिल के माध्यम से ऐसा क्या हुआ वो देखिए। ये माना जाता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के दंड नायक थे श्री बिहारी लाल गुप्ता, उनकी पदोन्नति हुई। पदोन्नति में जहां उनके अधिकार बढ़ने चाहिए थे वो उल्टा घट गए। वायसराय की विधि के एक सदस्य थे जो पीसी अल्बर्ट नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक बिल प्रस्तुत किया इस बात का कि पदोन्नति के बाद जो अधिकारों में कटौती नहीं होना चाहिए। तो उस बिल में जो प्रावधान था उसके तहत सभी भारतीय और यूरोपीय सभी न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी गई और जाति भेद के आधार पर जो न्यायिक अयोग्यताएँ थी वो भी मिटा दी गई। किंतु यूरोपीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय लोगों पर मुकदमे हुए और उसमें भारतीयों को अधिकार दे दिया गया तो यूरोपीय लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए उसका पुरजोर विरोध हुआ। उसके बाद इन्होंने ये कर दिया कि यूरोपीय किसी भी अभियुक्त पर यूरोपियन अभियुक्त पर यदि निर्णय लिया जाता है तो उसमें 12 में से 7 यूरोपीय या अमेरिकन न्यायाधीश होंगे। इस घटना ने भी भारतीय बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया और एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य किया। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने ही भारत का आर्थिक शोषण किया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक ही था, आर्थिक आधार पर ही वो भारत में आए थे। किंतु शने शने उन्होंने राजनीतिक रुचि लेना प्रारंभ कर दी और फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने यह राज करना भी आरंभ कर दिया। किंतु उससे भी अधिक उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। इस आर्थिक शोषण पे अनेक विद्वान ने कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि आर सी दत्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत दिया था वेल्थ ड्रेन थ्योरी, उसके अंतर्गत भी इन्होंने भारत का दोहरा शोषण अंग्रेजों ने किस प्रकार से किया उसके बारे में बताया था। उनका मानना था दादा भाई नौरोजी का कि भारत का धन बाहर जाता है,
फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आता है और इस ऋण के लिए अधिक ब्याज एक प्रकार का ऋण कुचक्र बन जाता है। इसको सरल शब्दों में समझें तो भारत से जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड में जाता है, कच्चा माल सस्ती दर पर जाता है, फिर वहाँ निर्मित होकर पुनः भारत में आता है और वही दुगनी चौगुनी दाम पर भारत में बेचा जाता है। भारत का ही माल जो यहाँ से वो 25 पैसे में ले गए थे, अब वही माल भारतीयों को लगभग 5 रुपये में या 10 रुपये में मिल रहा है। इस प्रकार से दोहरा लाभ अंग्रेज भारत से कमाते थे। इस आर्थिक असंतोष के कारण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रगति मिली। इसके अतिरिक्त जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें भी वो भी असंतोष का बहुत बड़ा कारण रहा। इसका अन्य कारणों में जैसे कि हम गिना सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो अन्य कारण थे, विदेशी आंदोलन और घटनाओं का प्रभाव इसमें पड़ा। इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के आंदोलन से भी इसका प्रभाव पड़ा। फ्रांस के राज्य क्रांति ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से भी भारतीयों ने प्रेरणा ली। 1893 में छोटे देश अबिसिनिया द्वारा इटली जैसे विशाल देश को पराजित किया, इससे भी भारतीय जागृत हुए। 1904 में जापान द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया, इससे भी भारतीयों में जनचेतना का विकास हुआ। एक शक्ति उन्होंने महसूस की कि हम भी अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं। इतना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के बाद, उनका शोषण करने के बाद भी भारतीयों में जो विद्रोह की भावना पनपी थी वह संतोष एक विद्रोह और एक सशस्त्र क्रांति का रूप ग्रहण न करके एक राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग के रूप में परिवर्तित हो गई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में जो बनी थी उसके माध्यम से वो आंदोलन आरंभ होने लगे। इस प्रकार से ये 1885 तक के की प्रथम भाग है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण और प्रवृत्तियाँ गिनाई गई। ये पुस्तक आप बहुत उपयोगी है। भारतीय शासन राजनीति या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विद्यार्थी, चाहे बीए के हो या एमए के हो, ये पुस्तक उपयोगी है, इसे वो अपना प्रयोग कर सकते हैं।